जय हिंद किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गेहूं फसल की कटाई के बाद खेतों में फसल के अवशेष रह गए हैं, जिसे नरवई, भूसा या पराली कहा जाता है। किसान भाइयों, खेतों में नई फसल लगाने के लिए आम तौर पर कृषक बंधुओं द्वारा पराली में आग लगा दी जाती है। किसान भाइयों, खेतों में पराली हटाने का यह तरीका गैर कानूनी है एवं इस तरीके से पर्यावरण तथा खेत की मिट्टी को बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, अर्थात पराली को खेतों से हटाए बिना उसका उपयोग करते हुए सीधे नई फसल लगाना। इसे हैप्पी सीडर मशीन के द्वारा किया जाता है। साथियों, इस तकनीक को जीरो टिलेज अर्थात बिना जुताई के बोनी कहा जाता है। यह वीडियो कृषि विभाग छिंदवाड़ा एवं दक्षिण एशिया बोरलॉग संस्था जबलपुर के सहयोग से बनाया गया है। ट्रैक्टर के पीछे लगी यह हैप्पी सीडर मशीन पराली का प्रबंधन करते हुए मूंग की बोनी कर रही है एवं साथ साथ पराली को खेतों में मल्चिंग का कार्य भी किया जा रहा है। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा काली या सिल्वर फिल्म का उपयोग करते हुए खेतों में मल्च किया जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ पराली के द्वारा मल्च किया जा रहा है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, खेत में खरपतवार नहीं उगते, मिट्टी में ठंडक रहने से पानी भी कम लगता है एवं यहाँ कार्बनिक मल्च होने के कारण मिट्टी में पोषक तत्व भरपूर मात्रा पे बने रहते हैं। तो साथियों, किसान भाइयों, आपने यहाँ देखा केवल एक स्टेप के माध्यम से यहाँ पर नई फसल की बोनी हो रही है। तो साथियों, आइए अब हम हैप्पी सीडर मशीन के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। मैं नरेंद्र चौधरी, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया जबलपुर के माध्यम से जिला छिंदवाड़ा के गांव सुसरई में खड़े हैं। और ये जो हमारी मशीन है हैप्पी सीडर, इसको बोलते हैं, मशीन अलग से ही बनेगी। उस मशीन जो हमारी जनरल सीडर चलती है, किसानों के पास रहती है, उसमें ये अरेंजमेंट नहीं होंगे। इसमें लगा हुआ है एक रोटरी सिस्टम। आप यहाँ से नीचे से देखेंगे तो इसमें एक रोटरी सिस्टम लगा हुआ है, ये ठीक है, ये फ्लेल है और इसमें एक रोटरी सिस्टम है जो कि इस फ्लेल को घुमाता है, जिससे जो पराली है वो चॉप होती है, बारीक हिस्सों में कटती है। और ये है हमारा फरो ओपनर, जिससे कि सीड को प्लेस देने के लिए सोइल में एक स्पेस बनता है, नारी बनती है, वहां पे सीड प्लेस होता है और बाकी की जो सोइल है वो अनडिस्टर्ब रहती है। ये जो व्हील है इनको डेप्थ कंट्रोल व्हील बोलते हैं। जनरली किसान क्या करते हैं, जो सीड लाती है उसमें डेप्थ कंट्रोल लीवर से होता है, जिससे कि सीड की जो डेप्थ है वो कहीं ज्यादा और कहीं कम होती है। लेकिन ये जो डेप्थ कंट्रोल व्हील है, इसके माध्यम से अगर हम सोइंग करते हैं तो ये एक यूनिफॉर्म डेप्थ कंट्रोल करता है, समान गहराई में। हाँ, समान गहराई में प्रत्येक जगह। हाँ, दोनों बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें फर्टिलाइजर अलग माध्यम से जाता है और सीड जो है अलग माध्यम से जाता है। इससे होता यह है कि जो फर्टिलाइजर है वो सीड से नीचे प्लेस होता है, उससे जब सीड जर्मिनेट होता है और उसकी जड़ें निकलती हैं तो जो फर्टिलाइजर है उसकी जड़ों को मिलता है, इसलिए ये अलग अलग अरेंजमेंट किए जाते हैं सीड का और फर्टिलाइजर का। किसान भाइयों, हैप्पी सीडर का अनुमानित मूल 75,000 से 1,50,000 रुपए है। 50 या उससे अधिक अश्वशक्ति HP वाले ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जा सकता है तथा इसकी क्षमता 0.3 से 0.4 हेक्टर प्रति घंटा होती है। साथियों, यह रिपोर्ट दक्षिण एशिया बोरला संस्था जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें विस्तार से नरवई के बारे में बताया गया है। साथियों, ये हमारे धारा सिंह, ये यहाँ के किसान भाई है। तो अभी जो सर ने हमें समझाया, तो किसान भाई आपको समझना है कुछ, तो अपने किसान भाई साथ क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को सबको चाहिए ये चीज इससे कराए, क्योंकि इससे अपनी खाद भी बन रही है, जुताई भी बच रही है, अपनी लेबरिंग मतलब सारा खर्च इससे बच रहा है। आपके यहाँ गेहूं लगा था? गेहूं लगा था। फिर उसके बाद आपने क्या किया? अभी अपन मूंग लगा रहा है उस डायरेक्ट वैसी पलारी पे। हाँ, श्रीमती श्रद्धा डहरिया, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकास खंड छिंदवाड़ा। हमने समस्या देखा रहा था कि लोग गेहूं की फसल काटने के बाद पराली जलाते हैं, अपने खेतों में आग लगा देते हैं, जिसके कारण सारी समस्याएं उत्पन्न होती है और जमीन भी खराब होती है। तो हमारे उपसंचालक कृषि महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने बीसा सेंटर जो है बोरलॉग इंस्टीट्यूट जबलपुर में, वहां पर विजिट किया और वहां पर जो ये पद्धति चल रही है हैप्पी सीडर से बुआई, पुरानी फसल के अवशेष होते हैं उनको अपन कट करके और मल्चिंग अपनी मिट्टी में ही बिछा देते हैं और साथ में बोनी करते हैं। जीरो टिलेज तकनीक कहलाती है ये, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इसको किया जाता है। तो ये आज हमने ग्राम सुसरई में यहाँ प्रदर्शन करवाया है। मैं नीलकंठ पटवारी, अनुभागीय कृषि अधिकारी छिंदवाड़ा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किसान के द्वारा हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई की गई और इसके बाद गर्मी की मूंग की फसल हैप्पी सीडर जो मेरे बाजू में ही है, इसके माध्यम से
हम किसान के खेत में सीधे बुआई कर रहे हैं। इस बात देख रहे हैं ये जो पराली है ये एक प्रकार से मल्च का काम भी करती है, जिससे किसान भाइयों को एक सिंचाई अन्य विधि की तुलना में एक सिंचाई इसमें बच जाती है। इसका मतलब है कि किसान कम सिंचाई में भी हैप्पी सीडर के द्वारा बुआई करके इसमें अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी फसल ली जा सकती है? गेहूं की फसल कटने के बाद हम इसमें विशेष करके गर्मी की मूंग, उड़द और गर्मी का सोयाबीन, ये तीनों फसलें इसके माध्यम हैप्पी सीडर के माध्यम से बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह उपसंचालक कृषि छिंदवाड़ा। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा ये फसल अवशेष प्रबंधन कर संरक्षित खेती करना, बिना जुताई किए हुए सीधे बोनी करना, ये तकनीक बहुत ही अच्छी है, बहुत फायदेमंद है। इस तकनीक से आप फसल को अवशेष का प्रबंधन करते हुए उसको डायरेक्ट बोनी करेंगे यदि हैप्पी सीडर से गेहूं के बाद, जैसे मूंग की बोनी हो रही जिले में, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इसमें समय की बचत हो रही है, खर्चे की बचत हो रही है, पानी की बचत हो रही है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा, पर्यावरण में सुधार हो रहा और साथ में खरपतवार से भी निजात मिल रही है। इस तकनीक को अपनाएं और बीसा संस्थान जबलपुर और कृषि विभाग द्वारा इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी तकनीक है।